लीजिए छुरी, आप पहले छोटी बेगम का सदका, पहले इस बेड़ी को हलाल कर दीजिए। लीजिए। नहीं बेगम, ये मुझसे नहीं हो सकेगा बेगम, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। मेरी मरहूम बीवी की हमदर्द बेगम, ये काम आप किसी दूसरे गुलाम से करवा लीजिए। जब्बार जी, इस मेढ़ी को फौरन हलाल कर दो। जी हुजूर। सरताज, कम से कम अपने हाथों से इस मेड़ी को तो हलाल कर दीजिए, ताकि मेरे जमाल की जान बच जाए। कायम रहे, और अगर तू इंसान है और जादू की तासीर से भेड़ बना हुआ है, तो बाहुक उस खालिक खादिर अलल इतलाक अपनी असली शक्ल में आ जा। जमाल, अब्बा, अब्बा,
अब्बा, अब्बा, अब्बा, अब्बा, अब्बा, अब्बा, ये क्या किया तूने जालिम, ये क्या किया? मेरे लखते जिगर, मेरे बेटे जमाल की माँ को, मेरे गजाला आहू चश्म उस मासूम को, मेरे ही नजरों के सामने मेरी इजाजत लेकर काट दिया तूने। तुझे जरा ना रहम आया, तेरा दिल जरा ना थर आया, तेरे हाथ कहां पे नहीं छुरी देते हुए। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कत्ल करूंगा, नहीं मैं तुझे कत्ल करूंगा। तेरा सब्र से काम लीजिए, तेरा सब्र से काम लीजिए, मुझे गजाला आहू चश्म जमाल की मां का जो बदला लेना है वो लेने दीजिए। لا حول ولا قوت الا بالله هل علي العظيم فنا ہو نست نابود ہو جل کر خاک ہو شیطان مردود ملون اور جادوگر تالیموش فنا ہو جل کر خاک ہو ولا قوة إلا بالله هي العلي العظيم نہیں 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 مجھ پہ رحم کرو مجھ پہ رحم کرو مجھ پہ رحم کرو رحم کرو مجھ پہ رحم کرو مجھ پہ رحم کرو مجھ پہ رحم کرو نہیں نہیں مجھ پہ رحم کرو इसकी सजा मौत नहीं, मौत से भी बदतर जिंदगी है। आपको कसम है आप इसे कत्ल नहीं करेंगे, बल्कि जब तक ये अपनी मौत ना मरे उस वक्त तक आप इसकी हिफाजत करेंगे। यही इसकी सजा है कि मरने तक ये अपने आप को जानवर बना हुआ देखे। ऐ शाहे जिन्नात, वो दो बीवियों वाला शौहर सिराजुद्दीन मैं हूं, और ये बकरी मेरी पहली गुनहगार कातिल बीवी दुरख्शा है। जिसने अपनी बेवकूफी, हसद, जलन और बुरे ख्यालात से अपनी जिंदगी के साथ साथ मेरी जिंदगी, मेरा खानदान सब बर्बाद किया। मेरा बेटा जमाल अपनी मां की मौत के गम में मेरी दौलत, जायदाद और शहर छोड़कर अपनी बीवी आरिफा के साथ तेहरान चला गया।
आरिफा ने मुझे कसम दी थी कि इस बकरी को अपनी मौत मरने देना, उसे मारना नहीं। इसलिए इसकी हिफाजत के लिए इसे हमेशा अपने साथ ही रखता हूं। वाकई तुम्हारी बर्बादी का कस्सा बहुत दर्दनाक और अजीबोगरीब है, इसलिए मैं इस सौदागर का बाकी गुनाह भी माफ करता हूं। शुक्रिया। जा, मैंने तुझे आजाद कर दिया। मेरे मालिक परवरदिगार, बुजुर्गवार, ऐ मेरे बुजुर्ग मददगार, मेरे हमदर्द, मेरे मोहसिन, ऐ अल्लाह के नेक बंदो, जिस तरह जालिम जिन से आप दोनों ने मेरी जान बचाई है, अल्लाह आपको उसका नेक बदला देगा। आपका ये एहसान हमेशा रहेगा मुझ पर, मेरी मां पर, मेरी बीवी और बच्चों पर। मैं और मेरी बीवी बच्चे, मेरी आने वाली पूरी नस्लें हमेशा आप दोनों की एहसान मंद रहेंगी। सब आपके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह आपके दिल की सब मुरादें पूरी करे। और जिस तरह मैं इस जालिम जिन से बचा हूं, ऐ रब्बुल आलमीन, दुनिया के हर मजलूम और बेबस इंसान को भी जालिमों के जुल्म से बचा, छुटकारा दिला। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो सितम रसीदा, आफत का मारा, बीवी की बर्बादियों का सताया हुआ शौहर, रईस इब्ने रईस सिराजुद्दीन बिन शरीफ जरजमानी, अपनी बीवी दुरक्षा को बकरी की शक्ल में लिए हुए दर दर भटकता रहा और उसकी मौत का इंतजार करता रहा। वाकई ये इबरतनाक किस्सा हमें बहुत पसंद आया मल्लिका शहरजाद। शुक्रिया मेरे ताजदार सरताज, शुक्रिया।
और इतनी जरूरत कि तुम अपनी हैसियत भूल गई। मगर इतना याद रखो, हमारा हाथ चूम लेने से तुम मौत के हाथों से नहीं बच सकती। हैरत है, मौत की मेहमान होकर तुम जिंदगी के ख्वाब देख रही हो। मेरी जिंदगी के मालिक शहंशाह, बेगुनाहों के ख्वाबों पर आप अपनी शाही तलवार मत चलाइए। ख्वाब ही तो एक ऐसी सच्चाई है जिस पर किसी का जोर नहीं चल सकता। आखिर मैं आपकी बीवी भी तो हूं। हम इस रिश्ते को भी अभी खत्म किए देते हैं। नहीं, मेरी बात तो सुनिए मेरे सरदार, खुदा के वास्ते मेरी बात सुनिए। रुक जाइए मेरे सरदार। ताज्जुब है, जो तुम्हें मारना चाहता था तुमने उसी की जान बचाई। बिल्कुल उसी तरह हुजूर, जिस तरह एक माहीगीर ने एक जिन की जान बचाई थी जो उसी को मारना चाहता था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मारने वाले को मरने वाला नहीं बचा सकता, यह नामुमकिन है। क्यों है नामुमकिन हुजूर? अगर मिजाजे शाहाना पसंद फरमाए तो ये कनीज किस्सा सुनाए। हम ये किस्सा सुनना पसंद करेंगे। ये किस्सा यूं है मेरे जहांपनाह कि एक मछली पकड़ने वाले ने कसम खाई थी कि वो रोजाना सिर्फ 4 बार दरिया में चाल डालेगा। और उन 4 मर्तबा में जो भी मछलियां आएंगी वो उसकी बीवी और बच्चों की तकदीर होगी। चुप हो जा बच्ची। क्या तुम्हारी बीवी बच्चों की तकदीर में यही लिखा है कि वो भूखे उठे और दिन भर रोटी का इंतजार करे? अरे बेसब्र बीवी, जरा सब्र कर और खुदा पर भरोसा रख। खुदा भूखा उठाता है मगर भूखा सुलाता नहीं है। लेकिन तुम्हारे निकम्मेपन से तो एक दिन भूखा भी सुना पड़ेगा। तुम मछलियां पकड़ने के लिए सिर्फ 4 बार ही जाल फेंकते हो, 5वीं बार और फिर बार बार क्यों नहीं? ये तुम्हारी सुस्ती है मेरे काहिल शौहर। नहीं, ये काहिली नहीं, मेरा उसूल है, कसम है मेरी। तो जानू में जाए तुम्हारी कसम, तुम्हारा उसूल। काश मेरी जान के बदले इन्हें खाना मिल जाए तो मैं अभी अपनी जान भी दे दूं। ऐ कमबख्त, सुबह ही सुबह ऐसी मनहूस बातें करके मेरी हिम्मत ना तोड़। मैं रोजगार पर जा रहा हूं, मेरा दिन खराब हो जाएगा।
अरे इससे ज्यादा और खराब दिन क्या हो सकता है। मैं अपने बच्चों के आंसुओं को नहीं देख सकती जो भूख की तकलीफ से उनके मासूम चेहरों पर बह रहे हैं, और तू जो अपनी कसम को ही निभा रहा है कि चार बार ही जाल फेंकेगा। अगर किस्मत में होगा तो चार बार में ही रिस्क मिल जाएगा, वरना 100 बार भी जाल फेंकूंगा तो भी कुछ नहीं मिलेगा। याद रख, ये 4 बार की कसम ही मुझे एक दिन दौलतमंद बना देगी। अरे जब हम ही नहीं रहेंगे तो दौलत किस काम की। अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला।